जीवन शक्ति यूट्यूब चैनल से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, वीडियो आज का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें जो हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। अगर गाइस अगर आप वीडियो को स्किप कर ही देते हैं, नहीं देखते हैं, तो गाइस इसमें आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। मेरा कार्य है सभी लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं जागरूक करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आप जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको भटकना है या आपको मैनिपुलेट होना है, तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी खुले हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। और जो नेगेटिव कमेंट करने वाले आते हैं, लाइक डिसलाइक, उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप वीडियो देख करके अपनी राय देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, विदाउट वीडियो देखे राय देंगे तो वो बेहतर नहीं है। वेल, मुझे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है मैं अपने स्तर से जो भी जानकारी है देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक। ना मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जो नॉर्मल मेरे को बेसिक जानकारी है उसी के आधार पर आपसे बात करता हूँ। तो भाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मोरेटोरियम 3.0 बैंक और NBFCO को लगा झटका। तो गाइस, इसके बारे में आज हम पूरे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले आप एक बात को समझिएगा कि जैसे कि भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, उस टाइम पर आप लोगों को मार्च से लेकर के समथिंग कुछ टाइम का मॉरेटोरियम दिया गया था, समथिंग अगस्त तक, ठीक। अगस्त के बाद आप लोगों की डिमांड थी कि आपको और भी मॉरेटोरियम प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि आपके पास में किसी प्रकार का कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपके पास में अर्निंग नहीं है। अब गाइस, बहुत सारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप लोगों को बता रहे हैं कि बैंक और NBFC को झटका लग गया, आखिर सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी, आखिर सरकार ने ऐसा कर दिया, आखिर सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी, बहुत बड़ा राहत पैकेज दे दिया आप लोगों को, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट वाली बातें होती हैं वो तो देखिए हम ही करते हैं आप लोगों से, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं वो तो हम ही करते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं कह रहे हैं कि विशाल तिवारी जी ने PIL लगा दी है, उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उससे बैंक और NBFC को झटका लगने वाला है। तो देखिए, जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी बातें समझा देता हूँ। गाइज, आप एक बात बताइएगा, एग्ज़ाम्पल के लिए आप एक बिज़नेस करते हैं और आपका बिज़नेस अचानक से डाउन हो जाए या कोई भी इशू आ जाए किसी प्रकार का भी लॉकडाउन के ज़रिए या किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है महज एक, तो आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं भाई, जितनी आपकी चादर होगी आप उसी के हिसाब से तो चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप चादर से बाहर जाएंगे। तो यही हाल कुछ इनका है। अब मैं चादर से बाहर जाने के लिए आपके ऊपर प्रेशराइज कर सकूँ, आपको दबाए जाऊँ, आपको सुप्रीम कोर्ट से या किसी चीज़ से भी दबाव बनाए जाऊँ, तो ये सब चीज़ें ये हैं बात, ठीक। तो जब मोरेटोरियम 6 महीने के लिए मांगा जा रहा था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपका लगा था उसको तो वेव ऑफ करा दिया था, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का द्वारा ये कहना था कि देखिए हम सरकार के वित्तीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन था मैं उसका सम्मान करता हूँ, और सम्मान करता हूँ अपने भारतीय कोर्ट्स का, क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं भले ही एकदम लेट फैसला लिया जाता है, लेकिन जो फैक्ट होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके या तहकीकात करके लिया जाता है। देखिए, आप एक बात सोचिएगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप अचानक से ही किसी फैसले को कैसे ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अब भी नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अब भी नहीं सुनी, आपका ये भी नहीं सुना, आपका फलाना नहीं सुना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने से पहले हज़ार बार आपको सोच लेना चाहिए, वो हमारा न्यायालय है। हाँ, हम मानते हैं समस्या हैं, गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन न्यायालय के ऊपर भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही तरीके से गाइडलाइंस दे सके, सही जानकारी मतलब सही तरीके से कार्य हो सके, किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय ना हो। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि हम ही आम जनता हैं या कुछ है। देखिए, कोर्ट में तो सभी बराबर हैं, ना कोई
अमीर का फ़र्क देखता है कोर्ट, ना किसी गरीबी का फ़र्क देखता है, सभी की समस्याएं बराबर हैं, तो इसीलिए उन्हें हर एक व्यक्ति सामान्य नज़र आता है। तो आप एक लॉजिक वाली बात सोचिए, अगर बैंक और NBFC आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कराती है और आपके अकाउंट को NPA में डालती है, तो ये तो प्रॉपर तरीके से गड्ढे में चले जाएंगे मेरे दोस्त, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, खुद सोचो। सोचो भाई, जब इन ये लोन इतने NPA में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होगा। आपको पता होगा एक बैंक था लक्ष्मी विलास करके, इसका 26% से ऊपर NPA गया, पूरे तरीके से बंद हो गया, क्योंकि भाई लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस यही हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप किसी के भ्रम में ना फंसिए। अगर आपको वाकई में ही मोरेटोरियम की ज़रूरत है तो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बताइए, उनको समस्या आप लिखिए ट्विटर्स के माध्यम से, या हैशटैग बनाइए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको बताइए अपनी समस्या, तो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कोई यूट्यूबर जो है इस प्रकार से कहता है तो ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया वैसा किया। अब झटके की बात कर लें तो भाई लोग, आप मतलब शर्म नहीं आपको, आप इस तरीके की बातें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये वो सब सारी चीज़ें, पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अब मैं आपसे क्या ही बताऊं गाइस। तो झटका तो देखिए हर एक व्यक्ति को लगा है, चाहे इसमें बैंक हो, चाहे NBFCs हो, चाहे एक आम आदमी हो, हर व्यक्ति को इस महामारी में झटका लगा है, ये बात आप जानते हैं। इस मैं आपको सिंपल वे में एक बात समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति घबराए ना, कोई व्यक्ति टेंशन ना ले। जब सिचुएशन आप लोगों को पता है कंट्रोल नहीं हो रही है, दिक्कत ज़्यादा बन रही है, तो 100% बैंक और NBFCs को मोरेटोरियम प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि इतने अकाउंट तो NPA में नहीं डाल सकते, ना ही उसको राइट ऑफ कर सकते, तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोसेस करेंगे। और हाँ, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है, भारत बंद नहीं होता है, 101% करो ये कोई मोरेटोरियम नहीं देंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं क्या बैंक और NBFCs के रिकवरी एजेंट जो हैं उनको झटका लग गया है, क्या वो अभी भी आप लोग को परेशान कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति आने के लिए तैयार है या नहीं है। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस के आप हमें जवाब लिखकर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कोई भी अपडेट होगा मोरेटोरियम से रिलेटेड आपको सबसे पहले प्रदान कराने का प्रयास